नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ कौल मिश्रा। आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर अम्ब्रेला एक्ट लागू कर दिया गया। आपको बता दें कि सरकार ने 27 निजी विश्वविद्यालयों के लिए यह लागू किया जाएगा अम्ब्रेला एक्ट। विद्यालय में राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल होने पर चलाया जाएगा। आपको बता दें कि अम्ब्रेला एक्ट के तहत विश्वविद्यालयों को सरकार को शपथ पत्र देना होगा। उनके विश्वविद्यालय में राष्ट्र विरोधी कार्यक्रम नहीं होने का शपथ पत्र ये दाखिल करना होगा। साथ ही आपको बता दें कि राज्यपाल राम नाईक की अनुमति के बाद यह अम्ब्रेला एक्ट लागू होगा। आपको बता दें कि अम्ब्रेला एक्ट कैबिनेट में पारित कर दिया गया है, लेकिन 16 जुलाई को होने वाली विधानसभा सत्र में इसको पारित कराना है। आपको बता दें कि विधान परिषद में भी इसको पारित कराना होगा, जिसके बाद राज्यपाल इसको अनुमति देंगे, जिसके बाद ये कानून के तौर पर सबके सामने आएगा और उसके बाद ये पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल कैबिनेट में अम्ब्रेला एक्ट पास हो गया, जिसके तहत शिक्षा में दाखिला लेने से लेकर शिक्षा प्राप्त करने तक की तमाम गतिविधियों में अम्ब्रेला एक्ट प्रभावी होगा। या दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार अब सीधे तौर पर यूनिवर्सिटी पर मॉनिटरिंग कर सकेगी कि यूनिवर्सिटी के अंदर क्या कुछ चल रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल कैबिनेट में अम्ब्रेला एक्ट को पास कर दिया गया है। 16 जुलाई को विधानसभा का सत्र होगा जहां पर इसको पास करना होगा। ये सही है कि कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा एक निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के किसी भी विश्वविद्यालय हो या कोई भी शैक्षणिक संस्थान है, कोई वहां पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करे, यह स्वीकार कभी भी न देश करेगा न प्रदेश करेगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में निर्णय लिया है कि शिक्षण के जो मंदिर है, शिक्षा के जो मंदिर हैं, वहां शिक्षा का ही काम होना चाहिए। वहां किसी ऐसी गतिविधि को कतई छूट नहीं दी जा सकती है जो देश के हित में नहीं। और करते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ